हमारे पास जमा करवा देंगे।
पहले के गढ़वाल के राजा थे उन्होंने भी इस मंदिर को कमलेश्वर मंदिर को 64 गांव की गूंज दी थी, मतलब 64 गांव शिवार्पण करे थे। तो पांचों जिलों में चमोली हो गया, पौड़ी हो गया, टिहरी हो गया, देहरादून हो गया, उत्तरकाशी हो गया, तो यहाँ पे इसके कूट गांव थे, तो इस निश्चित है कि इसकी शक्ति को देख के दिए थे। उसके अलावा जब 12 साल तक यहाँ पे गोरखों ने राज करा तो उन्होंने यहाँ पर जो है इस शिवलिंग को उखाड़ने की सोची, क्योंकि जो है 64 गांव से जो है लोग अपना अनाज वगैरह जो है लाके मंदिर में चढ़ाते थे, तो यहाँ से सदावर चलती रहती थी। तो उन्होंने जो है कहा कि जब हमारा राजपाट है तो हम जो है इस लिंग को उखाड़ देते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि सारे लिंगों को उखाड़ने के लिए जो है अपने मजदूर लगाए और सांप और बिच्छू सारे चारों तरफ फैल गए। अभी हमारे साथ कमलेश्वर महादेव मंदिर जी के महंत जी मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि इस कमलेश्वर महादेव मंदिर में जो बैकुंठ तत्व का पर्व है उसके महत्व के बारे में बताएंगे। देखिए जो पुराणों में इसका वर्णन है वह यह है कि आज की रात्रि जो है भगवान विष्णु जी ने सहस्त्र कमल चढ़ाए थे। और यहाँ पर सुदर्शन चक्र की प्राप्ति करी थी और यही पूजा जो है एक निसंतान दंपत्ति भी देख रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि हमारे को भी संतान का वरदान दीजिए। इसे बंद करवा दें। ऐसी मान्यता है कि पुराणों में कि भगवान विष्णु जी ने आज के दिन ही जो है यहाँ पर भगवान शिव को सहस्त्र कमल चढ़ाए थे। एक बार जो है देव और असुरों का युद्ध हुआ, देवता हारने लग गए तो सभी जो है भगवान विष्णु जी की शरण में गए कि हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। तो भगवान विष्णु जी ने कहा पहले मैं भगवान शंकर मेरे जो आराध्य हैं उनका जो है पूजन करता हूँ, तब जाके हर कार्य सिद्ध होता है। तो कमल के पुष्प सहस्त्र लिए उन्होंने, सहस्त्र शिव के नाम होते हैं, रुद्राय नमः, पशुपते नमः, नीलकंठाय नमः, विरूपाक्षाय नमः, पिनाकी नमः, नक्षत्र विग्रहाय नमः, घोराय नमः, कालाय नमः, एक एक नाम ले रहे हैं, एक एक कमल का पुष्प भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। इधर भगवान शिव जी ने क्या करा, अपनी माया से फूल छुपा दिया भगवान विष्णु जी की परीक्षा हेतु। भगवान विष्णु जी ने बोला पूजा से उठूंगा तो पूजा खंडित हो जाएगी, मेरे नेत्रों को भी कमल नेत्र बोलते हैं, अपने एक नेत्र का संकल्प कर लिया कि उसके फूल के बदले अपना एक नेत्र चढ़ाता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने संकल्प करा भगवान शिव ने छुपाया कमल वापस दे दिया और सहस्त्र फूल पूरे हुए और उनको सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। यही वो स्थान है और आज के दिन ही भगवान विष्णु जी को सुदर्शन चक्र मिला था। तो यही पूजा जो एक निसंतान दंपत्ति भी देख रहे थे तो उन्होंने भी कहा हमारे को भी संतान का वरदान दीजिए। तो माता पार्वती के आग्रह पे उनको भी संतान का वरदान दिया भगवान शिव ने और कहा जो भी यहाँ पे खड़ रात्रि का व्रत करेगा पूरी
नवरात्रि पर जो है मेरे यहाँ पे दीपक का वो करेगा, उसको मैं संतान का वरदान दूंगा। तब से प्रथा चली आ रही है। और द्वापर युग में भी भगवान कृष्ण जी ने जामवती कहने पे यहाँ पे खड़ा दीपक का व्रत करा, सांब नामक पुत्र हुआ और उनको जो है यहाँ पर, इसके अलावा त्रेता में रामचंद्र जी भी आए हैं। तो आज भी भारत के प्रत्येक कोनों से जो है लोग यहाँ पर आए हैं और लगभग जो है 145 लोग इसमें सम्मिलित हो चुके हैं और 200 लोग ने लगभग जो है अपना नामांकन कराया था, जो किसी कारणवश जो है महिलाओं के साथ जैसे समस्या होती है वो, या किसी के घर में शूतक बढ़ गया इस कारण नहीं आए, वरना वो लोग भी आने थे।